क्यों जाएं? तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारे पास आंख नहीं है। सुग्रीव ने कहा आंख तो है पर वो आंख नहीं है जिससे मैं प्रभु का दर्शन कर सकती, वो आंख नहीं है। आंख तो सभी के पास है ना, है ना, लेकिन क्या सूर की आंखें हैं क्या किसी के पास है? सूर जी एक दिन क्या हुआ, बिहारी जी का सुंदर श्रृंगार हुआ करता था और सूरदास जी जाते थे दर्शन करने और बस भविष्यवाणी करते चले जाते थे, आज मेरे श्याम जी ने पीतांबर पहना है, कितने अद्भुत लग रहे हैं। और किसी दिन भगवान ने नीलांबर पहना, वहां मेरे प्रभु आज तो नीलांबर पहन के आपने तो पूरे आकाश को धरती पर हिला दिया। पुजारी ने सोचा इनके पास तो आंखें है नहीं, ये तो अंधे है और ये सारे संसार में अपनी प्रसिद्धि कराने के लिए दूसरे से सुन लेते हैं और बता देते हैं कि आज प्रभु ने ये पहना। तो पुजारी ने एक काम किया कि आज ठाकुर जी को कुछ नहीं पहनाया। और जब सूरदास जी मंदिर में गए तो सूरदास जी ने कहा, अरे सूरदास जी ये बताइए कि आज प्रभु ने क्या पहना है। सूरदास जी मुस्कुराए और अपनी भाषा में उन्होंने बहुत सुंदर पद लिखा है। सूरदास जी ने कहा आज पुजारी जी आपने मेरे गोविंद को कुछ पहनाया ही नहीं है। पुजारी चरणों में गिर पड़ा, अरे मैं जिस सूर को कहता था कि ये तो नाटकी है, उसे तो सचमुच में पता है कि आज गोविंद ने कुछ पहनाया। तो भगवान को देखने के लिए ना, देखन को घन श्याम की मूरत चाहिए सूर की अंधेरी अखियां। भगवान को देखने के लिए हर किसी के पास नेत्र नहीं है। जिनको देखिए, व्यक्ति का देखने का तरीका होता है, नजरिया होता है। साथ में थे शिवजी और माता सती, दोनों ने देखा लेकिन दोनों के नजरियों को देखिए, यही अच्छाई और बुराई में फर्क है संसार में, थोड़ा सा ही। देखने का तरीका होना चाहिए। जो राम जी रो रहे थे शिव जी को भगवान दिखे, वाह प्रभु क्या आपकी लीला है, एक रो रहा है और एक मुस्कुरा रहा है, देख देख के कैसी अद्भुत लीला है प्रभु की। एक रो रहा है और एक देखकर हंस रहा है। और वही देखिए दूसरा नजरिया, देखिए माता सती का, कि उन्होंने देखा तो भगवान विरही रूप में दिखे। यही संसार में सुख और दुख का कारण है, आपका नजरिया। माता सती ने विरही रूप में देखा तो कितना दुख मिला, शरीर तक छोड़ना पड़ा। और शिव जी ने भगवान देखा तो उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई और जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठे और भजन करने लगे। तो अपने जीवन में आप नजरिया बदल लीजिए, आपके जीवन में सुख प्रवेश कर जाएगा। जिस चीज में हम बुराई देखते हैं उसमें हम अच्छाई देखने लगे, हमारे जीवन में दुख नहीं बचेगा। भक्त क्यों प्रसन्न रहता है इस संसार में? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर सुखी कौन है? सुखी राम जिके राम। तो इस संसार में वो सुखी क्यों है? उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है क्या? कष्ट है, कष्ट तो देखिए संसार में दुखालयम शाश्वतम, भागवत में लिखा है ये संसार दुखालय है। और दुखालय में सुख मिलेगा क्या? मिलेगा लेकिन हमारे प्रभु कहते हैं, मानवस्कार लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद है सिंधु सुख राशि।
दुख है ना, सुख नहीं है कहीं। कोई तन दुखी, जिसके पास बहुत धन है वो तन से दुखी है, 50 बीमारियां है ना। जिसके पास खूब धन है आप सोचोगे बढ़िया माल खा रहा होगा, नहीं, उसके घर में जाके देख लेना सूखी रोटी खा रहा होगा और उसके आगे नौकर बढ़िया घी दूध खा रहे होंगे और वो तो डॉक्टर से दवा लेके भोजन कर रहा है। शुक्र मनाओ कि हम आप कितने धन्य है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, जिसके पास सब कुछ है वो मन से परेशान है। और फिर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदार, जिसके पास सब कुछ है उसके पास धन की कमी है इसलिए वो धन से दुखी है। तो जब इस संसार में कोई सुखी ही नहीं है तो फिर सुख कहाँ है? मैंने कहा ना, सुख वही है जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो के सुख नहीं है, सुख की राशि है, राशि अर्थात समुद्र, समुद्र है। अब सोचिए उनकी एक बूंद से सीकर ते त्रिलोक सुपासी, उनकी एक बूंद से समस्त पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। तो सोचिए वो आनंद कहाँ है? वो आनंद यही पर है, वो आनंद अन्य कहीं नहीं है। तो माता सती को भ्रम हुआ और लेकिन हमारे सुग्रीव जी को भी भ्रम हुआ, लेकिन हनुमान जी पर विश्वास किया। या तो आपके पास वो नेत्र होने चाहिए कि हम परमात्मा का दर्शन कर सके, और अगर नहीं है तो नहीं। मान लो यहाँ पे 440 वोल्ट का करंट आ रहा हो है और उसे कोई पकड़ ले जाके और दूसरा व्यक्ति उसे छुड़ाने जाए तो क्या हाल होगा? वो भी चिपक जाएगा और तीसरा जाए वो भी चिपक जाएगा। तो जब तक उसका स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा तब तक बचेंगे कोई? सब सबको करंट लगेगा। तो इसी तरह ये जीवन में राम नाम रूपी करंट कब आएगा? जब कोई जय जय हनुमान आजकल के गुरु क्या, बस शिष्य से केवल धन लेना है ना, शिष्य से केवल धन मिलता रहे। तो ऐसे गुरु के लिए क्या लिखा है मानस में? नरक में जिसका राम से साक्षात्कार हो जाए फिर वो इस संसार का नहीं रहता, वो राम में बन जाता है। और ऐसा गुरु अगर जीवन में आता है तो वो हनुमान जी की कृपा से ही आता है। इसीलिए सुग्रीव जी कहते हैं धर बट रूप देख तुम जाइए, आप जाइए और आप देखकर आइए कि कौन आया है, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं है। व्यक्ति को जब खुद पर भरोसा ना हो तो किसी सदगुरु पर भरोसा कर लेना चाहिए, या तो खुद इतने ज्ञानी बन जाओ कि खुद पर विश्वास हो, और अगर नहीं है तो सदगुरु की शरण में चले जाओ। तो आज सुग्रीव जी ने कह दिया और जाकर सुग्रीव जी का साक्षात्कार परमात्मा से हो गया। तो दोनों को भ्रम हुआ तो माता आज कहती है कि वो पूर्व जन्म जैसे अधिकारी जय पावे। अच्छा, आपके पास एक पात्र हो, एक लोटा हो जिसमें जल भरा हो और उसमें गंगा जल भरना हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? पहले उस जल को निकाल देंगे और फिर जाके उस पात्र में गंगा जल भर लेंगे। अब देखिए हमारे चच्चू है ना सलवन के, आप तो जानते होंगे, वो मोबाइल पे कथा सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उसमें गंगा जल भर देंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आज माँ कहती है कि मैं आज जानना चाहती हूँ, मेरे मन में जिज्ञासा है, प्रथम सुकार ने कहूं बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण व पुधारी। परमात्मा अगर वो निर्गुण है तो वो सगुण रूप में क्यों आता है? और आज मैं केवल ये नहीं पूछूंगी, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। क्योंकि बालपन की जब तक हम प्रभु की कथा नहीं सुनेंगे ना तब तक प्रभु समझ में नहीं आएंगे।
इसका कहने का भाव ये है कि जीवन में जब तक आपके बाल कांड नहीं प्रवेश करेगा तब तक आप उत्तर कांड में नहीं जा सकते, क्योंकि इस मन को बालक जैसा बनाना होगा, बालक जैसा बनाना, तब प्रभु आएंगे। अच्छा, किस किस का मन बालक है जरा उठाइए हाथ। दिन रात हम लोग यही कहते हैं, बूढ़े हो गए बूढ़े हो गए, पर क्या ये मन बूढ़ा होता है? नहीं होता ना। ये मन जवान होता है? नहीं होता है। ये मन बालक होता है? नहीं होता है। मन की तो एक अलग ही गति है ना। तो मन को बालक जैसा बना लो। और बालक कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बालक? छोटा सा बालक अगर उसको डांट दो तो वो चुपचाप बैठ जाएगा जाके, और जब वो रूट के बैठ जाए तो बस एक चॉकलेट दे दो, तुरंत प्रसन्न हो जाएगा, है ना। तो मन को बालपन बना लीजिए। अर्थात कहने का भाव कि मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष छल कपट दंभ ना हो, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। और जब तक ये भाव आपके जीवन में नहीं आएगा, प्रभु प्रवेश कदापि नहीं कर सकते हैं। तो आज बालकपन की भगवान की कथा सुनना चाहती है माँ, और कहती है कि आज विवाह की कथा, भगवान के जो चरित्र है उनकी कथा, उसके बाद भगवान की वन लीला और जितनी भी लीलाएं की है वो आज मैं सुनना चाहती हूँ। तो आज भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं, देवी धन्य